हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशंस से हमारा मतलब है, जैसे आपने डेली लाइफ में देखा है कि मदर फादर, हमारी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, ताऊ चाचा मामा फूफा, ये सब इंग्लिश मीनिंग के अनुसार देखें तो ये हमने रिलेशंस पढ़े हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन जैसे हम ह्यूमन्स बीइंग्स के बीच में रिलेशन होता है, ऐसे मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं वो कोई नंबर किसी के इक्वल हो सकता है, कोई किसी से ग्रेटर हो सकता है, कोई किसी के अनइक्वल हो सकता है, किसी का सम किसी के इक्वल हो सकता है। तो इस टाइप के रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन सब रिलेशंस के पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो इस चैप्टर में यूज़ होगी, या आपने प्लस वन क्लास में पढ़ी भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर के बारे में। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये इसके बारे में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट चैप्टर्स पढ़ा था। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। कि एक ऐसा पेयर ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर लिया है, इसमें अभी स्पेसिफिक ऑर्डर में है। क्यों है स्पेसिफिक ऑर्डर? यहाँ पे ये फिक्स है कि जो ए की वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है। इसको आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट चैप्टर्स पढ़ा था। कोऑर्डिनेट चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा था कि जो भी लाइन पैरेलल टू अर्थ होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर टू अर्थ होती है उसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। अब जो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये इस पूरे को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट लिया 3, 4। अब 3, 4 आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया, आपसे मैं पूछूं कि x एक्सिस की वैल्यू क्या है, तो आप झट से बता देंगे कि 3x एक्सिस की वैल्यू है, और y की पूछूंगा तो मैं 4, या इसको आप एब्सिसा भी बोल सकते हैं, x एक्सिस को की वैल्यू को, और जो y एक्सिस की वैल्यू है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा 3 होगा और ऑर्डिनेट 4 होगा। अब मैंने तो आपको यहाँ पे नहीं बताया कि क्या एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और दूसरी पास ये जो ऑब्जेक्ट्स के जो एलिमेंट्स है वो स्पेसिफिक ऑर्डर्स में है, कि फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा किसकी वैल्यू आएगी? अब्सिसा की, और सेकंड पे ऑर्डिनेट की। अब अनदर एग्जांपल लीजिए आप, मान लो आपने मैंने लिया 7, 9। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अब्सिसा की वैल्यू क्या है? 7, ऑर्डिनेट 9, क्योंकि ये फिक्स है कि फर्स्ट पोजिशन पर हमेशा अब्सिसा आता है, यानी कि एक्स की वैल्यू आती है, और सेकेंड पोजिशन में हमेशा ऑर्डिनेट की वैल्यू होते हैं, तभी ये क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। अब क्या 7, 9 और 9, 7 सेम ऑर्डर पेयर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब्सिसा 7 है और सेकंड वाले में अब्सिसा आपके पास 9 है। फर्स्ट वाले में ऑर्डिनेट आपके पास 9 है और सेकंड वाले में ऑर्डिनेट 7 है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम कब होंगे? जब फर्स्ट पोजिशन का जो एलिमेंट है वो सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी 7 जब 9 के इक्वल होगा तब ये ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे? इक्वल ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। यहाँ पे आप एक एग्जांपल से देख भी सकते हैं कि ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी आर टू इक्वल ऑर्डर पेयर इफ ए इज इक्वल टू सी, यानी ये फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, एंड बी इज इक्वल टू डी सेकेंड पोजिशन का एलिमेंट सेकेंड के इक्वल। तो ये क्या कहलाएंगे? आप ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। अब ऑर्डर पेयर के बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए सेट। सेट्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, प्लस वन क्लास में आपने पढ़ा है कि जो भी सेट होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और जो इसके एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा। ऑर्डर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2 इज अ सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा सेट की होती है, सेम सेट की भी हो सकती है और डिफरेंट सेट की भी हो सकती है। यहाँ पे फर हमने मान लिया कि दो हमने सेट लिए, एक सेट लिया ए और एक सेट लिया हमने यहाँ पे बी, और इन दोनों की मुझे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करानी है सेट ए और सेट बी की। अब
ए सेट एंड बी सेट बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी से अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करें, जो फर्स्ट पोजिशन पे एलिमेंट है, जो भी सेट है उसका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आएगा और सेकंड वाले का सेकंड पे आएगा। इससे जितने पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनते हैं उतने हम बनाते हैं, वही क्या कहलाती है इसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसमें से सेट ए या बी में से कोई भी एक सेट ऐसा नल सेट मिल जाए हमें, या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए सेट मान लो हमारे पास है 1, 2 एंड बी सेट अपने पास हो गया 5। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा अब तो सेकंड नंबर पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, 5 के, कब, जब दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर सेट क्या हो, एम्प्टी सेट हो। तो जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, ये तभी इक्वल होंगे जब ए इज इक्वल टू बी होगा। आगे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे भी। अब इधर नीचे एग्जाम्पल में देखिए, हमने मान लिया कि एक सेट लिया हमने ए, और ए सेट के अपने एलिमेंट लिए ए कोमा बी कोमा सी, और बी सेट के एलिमेंट 1, 2 एंड सी सेट के एलिमेंट लिए अपने एक्स कोमा वाई। अब आपको कार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, यानी आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो जैसा भी हमने पढ़ा था कि कार्टिजन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और सेकंड सेट का एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आएगा। आप इधर देखिए, अब ए क्रॉस बी, तो ए सेट के एलिमेंट देखिए, ए सेट के एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो सबसे पहले सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, आपने ए लिया, तो ए के साथ जितने भी सेट बी के एलिमेंट है उनका पेयर बनाते चलिए आप। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना अपना ए कॉमा बी, ए कॉमा सॉरी ए कॉमा 1, सेकेंड ए कॉमा 2। अब सेट बी के एलिमेंट एम्प्टी हो गए, खत्म हो गए। जब सेट बी के एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो हम फिर से सेट ए पर चले जाएंगे और सेट ए का जो अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है बी, तो बी कॉमा 1 बी कॉमा 2। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सेट बी के और ए के सभी एलिमेंट फिनिश नहीं हो जाते। अब हम लेंगे एलिमेंट सी, तो सी कॉमा 1 सी कॉमा 2, तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। ऐसे ही अब मुझे ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना, तो क्या होगा, तो ए कॉमा एक्स, क्योंकि इस पे एक्स है एलिमेंट, फिर ए कॉमा वाई, उसके बाद यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है सी पे, तो फिर हम सेट बी का ए का सेकंड एलिमेंट लेंगे बी, तो बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई सी कॉमा, इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं। अब जैसे हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, ऐसे ही अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना आ जाए, तो बी क्रॉस ए आप नीचे देख सकते हैं, ये फाइंड आउट हुआ है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में आप देखिए कि बी क्रॉस ए में जो पहले नंबर पे पोजीशन पे एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है 1, तो 1, a, फिर 1, b, फिर 1, c, और फिर अब सेट ए के एलिमेंट एम्प्टी हो गए, फिर सेट बी का सेकेंड एलिमेंट, तो बी 2, a, 2, b, 2, c। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये एलिमेंट कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाते। अब आप जर्नली देखें तो a क्रॉस b का ऑर्डर पेयर है a कॉमा 1 और b क्रॉस a का ऑर्डर पेयर है 1, a। क्या a कॉमा 1 और 1, a क्या दोनों सेम एलिमेंट है, सेम ऑर्डर पेयर है? नहीं, क्यों, ऑर्डर पेयर सेम कब होते, जब ये फर्स्ट पोजीशन पे ए के जगह पे 1 आता और इधर भी 1 होता तब ये इक्वल होते, यानी ए इज इक्वल टू 1 होता तब ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम होते। तो जनरली ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ सेट, रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, सेट ए से बी के ऊपर रिलेशन किसी भी सेट का। अब आपने सपोज किया कि आपने दो कोई भी सेट लिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट लिए ए और बी। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स जिनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। और आर इज सेट टू बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
सबसेट से हमारा क्या मतलब है, ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट्स एंड सेट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है प्लस वन क्लास में, कि जब किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी एलिमेंट उसके सुपर सेट से बिलोंग करें तो वो उसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं इस बात को, आप एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक सेट लिया एन, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब आपने एक अनदर सेट लिया ए, ए के एलिमेंट लिया आपने 2, 5। अब जो ये 2, 5 जो एलिमेंट है वो इस एन के अंदर बिलोंग्स करने चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स में 2 भी आता है और 5 भी आता है। अब सेट ए का एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो एन के अंदर नहीं आ रहा या उससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए जो सेट है वो एन का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, और एन ए के लिए किसका काम करेगा, सुपरसेट का काम करेगा। अब क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि एन इज अ सबसेट ऑफ ए है? नहीं, एन जो है ए का सबसेट नहीं है। रीजन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1 बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए में 1 नहीं है। उस वो लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं एन के अंदर जो सेट ए से में बिलोंग नहीं करे, 7 है, 7 एन से बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो सबसेट तभी होगा जब उसके प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट्स के अंदर बिलोंग करेंगे। तो अब यहाँ पर आर कोई भी रिलेशन मुझे चेक करना है तो कैसे करूँगा, मुझे सबसे पहले उसकी कार्टिजन प्रोडक्ट मालूम होनी चाहिए उस सेट की, और कार्टिजन प्रोडक्ट्स में वो सेट उस रिलेशन के एलिमेंट आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ओके, अब इधर सिंबॉलिकली आप इसको देख सकते हैं, आर इज अ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो ऑर्डर पेयर है वो उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। वी रीड ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी। अगर एक जो और बी जो है वो कोई भी ऑर्डर पेयर उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए कोमा बी इज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो साइन है वो नॉट्स बिलोंग्स टू का है, नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये इससे बिलोंग ही नहीं करेंगे तो ए जो है वो बी से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये मस्ट है कि कोई भी रिलेशन हमेशा कार्टिजन प्रोडक्ट से देखा जाएगा, और उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो उस कार्टिजन प्रोडक्ट से बिलोंग्स करने चाहिए, उस कार्टिजन प्रोडक्ट्स के अंदर आने चाहिए, तभी वो रिलेशन होगा उस सेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे रिमार्क्स देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में। तो मान लिया सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है पी, कुछ भी हो सकता है, 2, 7, 9, 10 वट एवर, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे ए क्रॉस बी में, पी इंटू क्यू। अगर इसमें फर्स्ट के जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं उसमें 7, तो क्या हो जाता, 14 हो जाता। तो रिलेशन कितने होंगे, जितने कार्टिजन प्रोडक्ट्स के सब, अब रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, जितने ए और बी के सबसेट होंगे। अब ए और बी के सबसेट होते हैं 2^p इंटू क्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे फ्रॉम ए टू बी इज 2^p इंटू क्यू। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें टू सेट ए में 2 एलिमेंट होते, सेट बी में 3 एलिमेंट होते, तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते, 2^2 × 3, यानी 2^6 इसका आंसर हो जाता। इसको हम यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए आप, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये मुझे एक सेट दे दिया, और बी मुझे अनदर सेट दे दिया 2, 3, 4। अब मुझे आर एक रिलेशन डिफाइन करना है ए कोमा बी, ये ऑर्डर पेयर, सच दैट 2a = b, वेयर ए इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज बिलोंग्स टू सेट बी। इट मीन्स जो ये रिलेशन है मुझे ये ए क्रॉस बी से देखना है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और सेकंड पोजीशन का एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। शो दैट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आपको क्या चेक करना है, शो दैट द आर इज अ रिलेशन फ्रॉम
सेट ए टू बी, आर जो है वो रिलेशन है सेट ए से सेट बी पे, और इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर रिलेशन भी आपको फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। सबसे पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के मालूम होना चाहिए, जिससे भी मुझे रिलेशन को चेक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सेट ए और बी है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि ए क्रॉस बी निकालेंगे, जैसा अभी हमने पीछे समझा था। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फर्स्ट पोजिशन पे एलिमेंट किसके आएंगे, सेट ए के, और सेकेंड पे सेट बी के। तो इसके जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो हम बना लेंगे, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसके बन जाएंगे। वैसे भी आप इसको काउंट करके देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे अपने पास। इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी, जैसा हमने पीछे भी करा था, इज इक्वल टू एम इन टू एन या पी इन टू क्यू। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट है 3, सेट बी में एलिमेंट है 3, 3, 3 = 9। अगर आप ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 9 एलिमेंट होंगे। आप इसको काउंट करके भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब हम रिलेशन पे आते हैं। अपना जो रिलेशन था वो क्या डिफाइन था, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, टू ए इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज बिलोंग्स टू सेट बी। अब 2a is equal to b है, अब इस ऑर्डर पेयर में आप ये चेक कीजिए, अगर मैं a की जो वैल्यू रखता हूँ तो मुझे वो b के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर रखता हूँ 2 into 1 is equal to 2, तो यहाँ पे भी देखिए 1, 2, ये जो ऑर्डर पेयर आ रहा है अपने पास ये 1, 2 मिल रहा है कि a के वैल्यू 1 तो 2 into 1 is equal to 2, तो किसके इक्वल आ रहा है वो b के इक्वल आ रहा है। तो एक तो अपने पास ऑर्डर पेयर हो जाएगा ये 1, 2। अब सेकंड में देखिए आप, उसके बाद अगर मैं 1, 3 लेता हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 into 1 is equal to 2 आएगा, लेकिन 3 तो नहीं आएगा, तो ये सेकंड ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2 into 1 is equal to another 2, लेकिन आना क्या चाहिए था 4, नहीं आ रहा, तो 2 ये वाला रखेंगे तो 2 into 2, 4, ये भी नहीं होगा, 2, 3 भी नहीं होगा, 2, 4 देखिए तो 2 into 2 is equal to 4, तो 2, 4 भी आएगा, 3, 2 = 6, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं है। तो केवल इसमें दो ही अपने पास रिलेशन आएंगे, कौन कौन से, 1, 2 एंड 2, 4, और ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में अपने पास मिले हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अब मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल होता है 2 raised to power p into q। अब फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट 3, सेकंड में भी 3, तो 2 raised to power कितना हो जाएगा, 3, 3 = 9, तो 2 raised to power 9 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। अब हमने रिलेशन पढ़ा सेट ए टू सेट बी, हम ऐसे ही रिलेशन सेम सेट पे भी पढ़ सकते हैं। जैसे सेट ए के ऊपर ही मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ जाए तो मैं ए क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा, और सेट बी के ऊपर निकालना पड़ जाए तो बी क्रॉस बी फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए अब नेक्स्ट है अपने पास रिलेशन होना सेट ए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर इज सेट टू बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आप देखिए पीछे ऊपर हमने देखा था कि जब आर जो है वो किसका सबसेट था, उसमें ए क्रॉस बी का, जब ए और बी था, तो अब मुझे किसका मिलेगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि रिलेशन में तो ऑर्डर पेयर आते हैं, तो यहाँ पे किसका सबसेट होगा, ये ए क्रॉस ए का। तो फॉर्मूला सेम, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने वाला जो हमने पढ़ा था 2 into 2 raised to power p into q। अब q की वैल्यू क्या, p इज इक्वल टू क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to power p² हो जाएगा। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, 2 raised to power p². अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या बता रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड डिफाइन आर, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, 2a = b, a, b बिलोंग्स टू a। ये जैसा सेकेंड एग्जाम्पल था सेम एग्जाम्पल है, केवल दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे अपने पास दो सेट थे a और b, और यहाँ पर मुझे सेम सेट a के ऊपर ही इसको फाइंड आउट करना। सो दैट
आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए, कि आर जो है इसका रिलेशन है ए के ऊपर, और इसके पॉसिबल रिलेशन निकालने हैं। अब आर इस पे रिलेशन है तो आर का जो है सबसेट होना पड़ेगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या मिलेंगे ऑर्डर पेयर इसके 1,2 में से, तो 1,1, 1,2, 1,3, फिर यहाँ पे 2,1, 2,2, 2,3 एंड 3,1, 3,2 एंड 3,3। फिर से 2a इज इक्वल टू b है तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, जिसमें केवल 2 इज इक्वल टू 2 आएगा वही ऑर्डर पेयर आएगा। तो 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2, तो 1,1 तो ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता यहाँ पे, 1,2 भी नहीं हो सकता, 1,2 होगा इसमें, क्योंकि 2 × 1 इज इक्वल टू किसके होगा, 2 के। तो 1,2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो रिलेशन क्या हो गया, ये इसमें रिलेशन हो गया, क्योंकि आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, कार्टिजन प्रोडक्ट्स का। क्लियर। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन है 2^p², तो 2^3 × 3, यानी 3 का स्केयर हो जाएगा ये, तो 3 का स्केयर कितना होगा 9, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, 2^9। क्लियर। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन होते हैं, तो सबसे पहला हम रिलेशन पढ़ेंगे एम्प्टी या फिर वॉइड, या इसको हम नल रिलेशन भी बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है एम्प्टी या वॉइड, यानी कि खाली, जिस रिलेशन के अंदर एक सिंगल ऑर्डर पेयर भी नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी या फिर वॉइड नल या फिर नल रिलेशन बोलते हैं उसको। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स कोई भी इसके अंदर ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल खाली है। एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए और इसके एलिमेंट है 1,2,3, और मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है आर ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, शो दैट आर इज एम्प्टी रिलेशन। अब सबसे पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट कीजिए, ए क्रॉस ए आप फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर पे आएंगे 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, ये सब आपके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब इन ऑर्डर पेयर में आपको वो ऑर्डर पेयर चूज करना है जिसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकंड वाले, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 12 मिले। अगर आप इन सभी ऑर्डर पेयर में देखें तो सबसे बड़ा ऑर्डर पेयर 3,3 है। अब 3 में से 3 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और कोई भी आप इसमें ऑर्डर पेयर देख लीजिए, किसी का भी डिफरेंस जो है वो 12 नहीं आ रहा, इसलिए किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, नल एलिमेंट आएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए कौन सा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा या फिर वॉइड सेट कहलाएगा। आप ये सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं इसके अंदर, सेकंड एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल में क्या है। अब मान लीजिए आपने एक सेट लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल शो दैट द रिलेशन आर इज अ इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ पी। अब ये देखिए आप, ए मुझे सेट क्या दिया हुआ है, ए मुझे सेट दिया है स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, जब उस पूरे के पूरे स्कूल के अंदर केवल लड़के ही पढ़ रहे हैं तो कोई भी लड़का अपने आप की सिस्टर तो हो ही नहीं सकता, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की सिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो बॉयज स्कूल है, इसलिए कौन सा सेट कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, एक भी ऑर्डर पेयर इससे बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। एम्प्टी सेट के बाद हम पढ़ेंगे अब यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, यानी कि जितने भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर मिलते हैं, जैसे ए क्रॉस ए में मिले या ए क्रॉस बी में मिले, वो सभी के सभी उस रिलेशन के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके यूनिवर्सल रिलेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड डिफाइन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, शो दैट आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए।
अब ए की वैल्यू आपके पास है 1.2 ए सेट के एलिमेंट। अब इसके मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2। अब इन ऑर्डर पेयर में से सिंगल ऑर्डर पेयर भी ऐसा नहीं है जिसका सम जो है वो जीरो से कम आए। 1+1 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, 1+2 इज 3, 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 2+1 3 ग्रेटर देन 0, 2+2 4, 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये सभी के सभी एलिमेंट जो है वो उस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब तो कार्टिजन प्रोडक्ट और रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं दोनों सेम हो गए, इसलिए रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन आपका कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, यानी कि जिस रिलेशन के अंदर कार्टिजन प्रोडक्ट्स का सिंगल ऑर्डर पेयर भी बिलोंग्स नहीं करता उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं या वॉइड रिलेशन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में जो भी आपका रिलेशन आएगा उसके उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, जिस कार्टिजन प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे, जो जिस भी सेट की कार्टिजन प्रोडक्ट्स है मुझे चेक करना है, ए से करना है तो ए क्रॉस ए के इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यहाँ पे एक रिमार्क और देख लीजिए आप, वॉइड और ये यूनिवर्सल जो रिलेशन है इसको हम ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं, और जो वॉइड रिलेशन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है ये ट्राइवल रिलेशन कौन कौन से होते हैं, वॉइड और यूनिवर्सल। जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन, और सबसे लार्जेस्ट रिलेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कौन सा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड ओनली टू इट्सेल्फ, कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से ही बिलोंग करे और वो सारे के सारे उस रिलेशन के अंदर आते हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। इसको आई ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, सेट ए हमारे पास है जिसके एलिमेंट है 1.2.3, एंड डिफाइन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो दैट आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। मुझे क्या शो ऑफ करना है कि सेट आर जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए पे। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, कि जो ये रिलेशन आर आया है उसमें मुझे जो भी सेट ए के एलिमेंट है वो सब डबलेट आने चाहिए, अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। यानी सेट ए में 1 है तो 1.1 मुझे इस रिलेशन में मिलना चाहिए, 2.2 मिलना चाहिए, 3.3 मिलना चाहिए। अगर सिंगल ऑर्डर पेयर भी ऐसा होता है आर के अंदर जो मुझे नहीं मिलता इन सेट ए के एलिमेंट का, तो वो ऑर्डर पेयर जो है तो वो क्या नहीं कहलाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए सेट ए के एलिमेंट है 1.2.3 और ए क्रॉस ए किसके इक्वल है, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 3.1, 3.2 एंड 3.3। अब आर अपने पास रिलेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इन सभी ऑर्डर पेयर को देखिए जो इस ए क्रॉस ए में दिए गए हैं, अब 1 में से 1 लेस करोगे तो आप 0 आएगा, 1 में से 2 को लेस करोगे -1, 1 में से हम 3 को लेस करेंगे तो -2। अब इन सभी ऑर्डर पेयर में केवल 1.1, 2.2 और 3.3 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। तो इस आर के जो एलिमेंट हो जाएंगे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1.1, 1.2.2 एंड 3.3। अब ये देखिए 1, 2 और 3 तीनों ही एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। फर्ज कीजिए अगर इसमें से सिंगल एलिमेंट भी ऐसा, सिंगल ऑर्डर पेयर भी ऐसा हो जाता है, जैसे मेरे पास आर के अंदर केवल क्या मिलता मुझे, अगर केवल आपको आर रिलेशन के अंदर एलिमेंट ऑर्डर पेयर मिलते 1.1 और 2.2, अब 3 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3.3 इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। सबके डबलेट होना जरूरी है तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि थ्री थ्री इज बिलोंग्स टू सेट
a but 3,3 is not belongs to r, clear. लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास तीनों के तीनों ही एलिमेंट ऑर्डर पेयर से बिलोंग कर रहे हैं, 1,1b, 2,2b और 3,3b, तो इसलिए क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा. तो ये इसका सबसेट हो तो कौन सा सेट कहलाएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा. अब आइडेंटिटी रिलेशंस के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में. रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए. यानी कि जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है सबका डबलेट मिलना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही डिफरेंसेस है कि उसमें और इनके अलावा कोई एलिमेंट आ जाता तो ये रिफ्लेक्स आइडेंटिटी नहीं कहलाता लेकिन वो रिफ्लेक्सिव होगा. यानी कि हम आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते. यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, आर वन एक मुझे सेट दिया हुआ ए जिसके एलिमेंट है 1,2,3 और डिफाइन द रिलेशन आर वन आर टू आर थ्री ऑन ए. आर वन आर टू और आर थ्री इसमें रिलेशन दिए हुए, आपको चेक करके बताना है कि कौन से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं है. आर वन के अगर हम ऑर्डर पेयर देखें 1, अब मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, जो मेरे पास सेट ए के एलिमेंट हैं उनका मुझे जो जिसमें डबलेट मिल जाएगा ना केवल वो ही मेरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे. उससे ज़्यादा आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उससे कम नहीं आने चाहिए. तो आप देखिए यहाँ पर सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3. अब इनमें से आप ये देखिए इन तीनों रिलेशन में कि 1,1, 2,2 और 3,3 किस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है. जिस भी रिलेशन में ये बिलोंग कर रहा है वही आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा. जैसे आर वन इज इक्वल टू अपने पास क्या, अब आर वन एग्जाम्पल में आप देखिए 1,1 और 2,2 और 3,3 तीनों ही एलिमेंट आ रहे हैं आर वन के अंदर. उसके एक्स्ट्रा 3,1 भी आ रहा है, 3,2 भी, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है. मुझे मतलब किस चीज़ से है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनका डबलेट आ रहा है या नहीं आ रहा. 1,1 भी मिल रहा है मुझे क्योंकि सेट ए में 1 बिलोंग कर रहे हैं, 2,2 भी मिल रहा है क्योंकि सेट ए में 2 है, 3,3 भी मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर 3 है. तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा. इसके अलावा आर टू में देखिए नहीं मिल रहा आपको, आर थ्री में देखिए ये भी नहीं है. क्यों, क्योंकि 1,1 तो, लेकिन 2,2 नहीं है. 2 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए बट 2,2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस वन, एंड 3 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए बट 3,3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस वन. सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो केवल आर वन ही आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा सेट ए पे, आर टू और आर थ्री नहीं होंगे. आर टू का रीज़न 1,1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर टू और आर थ्री में 2,2 है, 3,3 है, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहे. ये रिमार्क देखिए आप, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. जो भी आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं लेकिन एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी में भी डबलेट आते हैं और यूनिवर्सल में तो सभी एलिमेंट आते हैं, इसलिए दोनों रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे. अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ऑल द आइडेंटिटी एलिमेंट इज रिफ्लेक्सिव, येस ऑल आइडेंटिटी एलिमेंट इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी. सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते लेकिन सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं. यूनिवर्सल रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, नो यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बट यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर. तो ये भी 1 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. सिंपल वे में अगर हम इसको देखें, अगर ए कॉमा बी किसी भी कार्टिजन प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है, किसी आर रिलेशन से में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी उससे बिलोंग करना चाहिए तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे. तो यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल से बताते हैं. यानी मान लो किसी भी रिलेशन के अंदर मुझे अगर 1,2 मिलता है तो मुझे उस रिलेशन के अंदर 2,1 भी मिल जाएगा तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा.
जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल नंबर 10, लेट ए इज अ सेट हुज एलिमेंट इज 1, 2, 3, डिफाइन आर वन आर टू एंड आर थ्री ऑन ए, आर वन आर टू और आर थ्री सेट ए पे से रिलेशन लिए गए हैं, चेक करना है कि आपको आर वन आर टू और आर थ्री जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अब आर वन के अंदर आप चेक कीजिए, 1, 1 है, अब 1, 1 का रिवर्स क्या होगा, 1, 1 ही होगा, 2, 2 का भी 2, 2 ही, और 1, 2 का अब रिवर्स ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, 2, 1, ये 2, 1 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो आर वन कौन सा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। आर टू में आप चेक कीजिए, 1, 1 है, 2, 2, 3, 3 ये रिवर्स करेंगे तो यही आएगा, तो ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। आर थ्री में चेक कीजिए, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 का रिवर्स 2, 1, 3, 1 है, लेकिन इसका रिवर्स 1, 3 इसमें मुझे नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये कौन सा रिलेशन नहीं कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है सेट ए पे, सेकंड वाला भी सिमेट्रिक है, बट थर्ड वन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज आर थ्री ए, बिकॉज 1, 3 इज बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू आर थ्री, क्योंकि 3, 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा, लेकिन 1, 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं, यस आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सिमेट्रिक, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 डबलेट आते हैं, इन सब का रिवर्स सेम ही होगा, ये तो सिमेट्रिक कहलाएगा। यूनिवर्सल में ईच एंड एवरी एलिमेंट आ जाते हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, अपना सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो सभी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि R इज इक्वल टू किसके होगा, A क्रॉस A के। और एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन में आपके पास फर्स्ट कंडीशन जब दी होगी तभी आपको सेकंड चेक करनी है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट कंडीशन ही नहीं दी हुई है तो फिर हम सेकंड कंडीशन को चेक कैसे करेंगे, इसलिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एम्प्टी रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन ही कहलाएगा। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, आर रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लो आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है और उसके अंदर ऑर्डर पेयर आपके पास 1, 2 और एक ऑर्डर पेयर आपके पास 2, 5। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं है इस पे डिपेंड कैसे करेगा, कि जैसे मेरे पास 1, 2, अब जो इसमें अपने पास सेकंड नंबर पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पे देखना क्या वो सेकंड फर्स्ट नंबर पे या नहीं है, 2 इधर है 2 इधर है, तो अब आपके पास क्या बच गया 1 और 5, तो आपको जो है ये तीसरा ऑर्डर पेयर जो बनेगा 1, 5 ये भी इस आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। 1, 2 इससे बिलोंग कर रहा है, 2, 5 भी बिलोंग कर रहा है, बट 1, 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए कौन सा रिलेशन नहीं कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, जब इसमें 1, 5 भी इसमें बिलोंग करेगा। दूसरा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में एक प्रॉपर्टी को और याद रखना है, कि इसमें भी आपके पास जब दो कंडीशन दी होंगी, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन यू कैन चेक ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब आपको तीसरी कंडीशन चेक करनी है। अगर आपको सिंगल कंडीशन देता है एग्जामिनर तो आप इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अब मुझे तो दो कंडीशन चेक करके थर्ड कंडीशन पर पहुँचना है ना। अब केवल किसी रिलेशन में मुझे 1, 2 एक ही ऑर्डर पेयर दे दिया और ये पूछ ले कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव कंसीडर होगा, क्योंकि 1, 2 तो है लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए मेरे पास दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, इसलिए कौन सा ऑर्डर पेयर कहलाएगा, ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम चलिए इसके एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 11, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, डिफाइन द रिलेशन आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर ऑन ए एज आर वन इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2 आर टू 1, 1, 2 एंड आर थ्री 1, 1, 2, 3 ये सब आपको चेक करने की ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। अब फर्स्ट रिलेशन में अगर हम चेक करें
आर वन वन कोमा वन, वन कोमा टू, टू कोमा वन, टू कोमा टू, अब टू कोमा वन कोमा टू, टू कोमा वन, तो इसका वन कोमा वन इसमें मिल रहा है तो टू कोमा टू भी मिल रहा है, इसलिए आर वन तो कौन सा रिलेशन कहलाएगा, अपना ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा अपना आर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, आर टू, आर टू में वन कोमा वन, वन कोमा टू आपके पास था, तो आप इसमें देखें वन कोमा वन, वन कोमा टू, तो इसमें वन कोमा टू ही मिलेगा, तो ये भी कौन सा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब आर थ्री में वन कोमा वन, वन कोमा टू, टू कोमा थ्री, अब टू कोमा थ्री या टू टू, तो वन कोमा थ्री में इसमें आना चाहिए, लेकिन वन कोमा थ्री इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फोर्थ वन में वन कोमा टू, वन कोमा थ्री, अब इसमें सेकेंड कंडीशन चेक करने के लिए मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए कौन सा एलिमेंट कंसिडर, कौन सा सेट कंसिडर होगा, ट्रांजिटिव। अब इसमें रिमार्क देख लीजिए वन मार्क्स के लिए, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ट्रांजिटिव और एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव एज देयर इज नो सिचुएशन इन विच ए कॉमा बी, ये भी एम्प्टी भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो आपको याद रखना आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, इसलिए इनको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं जो तीनों ही हों, आइडेंटिटी भी जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, केवल सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इनके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।